मऊगंज को जिला बना दिया गया, कलेक्टर कार्यालय एसपी कार्यालय यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी भी बहुत से काम के लिए रीवा जाना पड़ता है। ये कहना चाहिए कि मऊगंज अभी भी वो व्यवस्थाएं नहीं पा सका है जो एक जिले को व्यवस्थाएं चाहिए। मैं इस पहले भी आपसे बताया कि जब जिला बनता है तो जिला बनने के बाद प्रक्रिया इसकी शुरू होती है और इस सब पूरी प्रक्रिया में साल भर, फिर किसी विभाग का 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, ऐसे करते हुए एक 4-5 साल के दरमियान, जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी टीकमगढ़ टूट करके निवाड़ी जिला बना, तो जब बना जीवाली तो लैंड ही नहीं थी वहां, अभी कुछ दिनों पहले लैंड वहां पे लाट हुई, मगर मऊगंज में जिला बनने के पहले ही लैंड आरक्षित कर ली गई थी। और जैसे ही जिला बनता है तो वो रीडेंटिफिकेशन में 40 करोड़ रुपए स्वीकृत होते हैं कलेक्ट्रेट बनने के लिए। कलेक्ट्रेट बनेगा, कलेक्टर का बंगला होगा, एसपी का बंगला होगा, डिस्ट्रिक्ट जज का बंगला होगा, कर्मचारियों के बंगले होंगे, इसका पैसा स्वीकृत हो गया। मतलब अब आप सोचे कि जादू की तरह से बंगला बन जाएगा। अब हमारे पास आज मान लीजिए, आप बताइए कि बिना बिल्डिंग के बनाए अभी कलेक्ट्रेट खोलने के लिए, एसपी ऑफिस खोलने के लिए हमें कौन सी बिल्डिंग लेनी पड़ी? कॉलेज की बिल्डिंग। सपोज करिए हम 54 विभागों की बिल्डिंग यहाँ ऑफिस खोलेंगे तो जगह कहाँ आएगी, बिल्डिंग कहाँ है? तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रीवा में डेवलप है। जैसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए जो 40 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है कलेक्ट्रेट का नया, उसमें हमारे सब ऑफिस आ जाएंगे। और जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग बनेगी तो एक ऑर्डर ही तो निकलना है, कलेक्टर का ऑर्डर निकल सकता है, एसपी का ऑर्डर निकल सकता है, और डिप्टी डायरेक्टर का ऑर्डर नहीं निकलेगा। भले डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टिंग ना हो के प्रभार में आ जाए, मगर वो तो हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया है, सब होगा और सही समय पर हो जाएगा।